लेह लद्दाख में बर्फबारी के कारण शहीद हुए भारतीय सेना के जवान जोगेंद्र सिंह का आज रोहतक के पैतृक गांव सुनारिया कला में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना की 15 जाट रेजिमेंट में हवलदार जोगेंद्र सिंह की तैनाती लेह लद्दाख में थी। 15 दिसंबर को बर्फबारी के दौरान अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और बुधवार को उनका देहांत हो गया। परिजनों ने कहा कि उन्हें शहीद जोगेंद्र सिंह की शहादत पर नाच है। थे बिल्कुल भी ये नहीं घबराने देते थे कि तुम सैनिक की पत्नी हो, किसी से डर के नहीं रहना, अपने दम पे अपने बच्चों के साथ रहना, इनकी रक्षा संभाल करनी है। हम तो ये चाह जो लड़का है वो भी देश की सेवा करें, बहुत देश के लिए बहुत अच्छा काम करें मेरे भाई ने, और भगवान करे तो हमारा लड़का है वो भी देश की सेवा में। रोहतक जिला प्रशासन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट मोहित मेहराना ने शहीद जोगेंद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार शहीद के परिवार को पूरा सहयोग दिया जाएगा। लद्दाख में जोगेंद्र सिंह पोस्टेड थे, वहाँ पे लैंडस्लाइड के कारण इनका देहांत हो गया और राजकीय सम्मान के साथ इनका दाह संस्कार किया गया है। और यहाँ पर आर्मी के, अपने गांव के और प्रशासन की तरफ से अधिकारी मौजूद हैं और राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया। परिवार को आश्वासन देते हैं कि इनको पूरा सहयोग दिया जाएगा सरकार की तरफ।